आप कैसे नहीं जागते, मेरी करुण पुकार कैसे नहीं सुनते, मेरी वेदना, मेरी आस्था, मेरा सारा अस्तित्व मिलकर आपको अपनी समाधि भंग करने पर विवश कर देंगे। कठिन तपस्या से कठोर पत्थर को भी पिघलाया जा सकता है। आप तो मेरे आराध्य हैं, जन्म जन्मांतर के मेरे स्वामी हैं, मेरे सर्वस्व हैं। Thank you.
स्वामी, मैं ये भली भांति जानती हूं। हे देवाधिदेव, मेरी सुध-बुध लौटाने वाले अपने स्पर्श से मेरे मन की सारी पीड़ा दूर करने वाले वो दो हाथ आप ही के थे जिन्होंने स्तन को छुआ। वो भावना आपकी थी जिसने मेरे मन को छुआ। मेरे अंदर एक ध्वनि से गूंज रही है कि आपने मुझे क्षमा कर दिया। फिर अभी एक ऐसी समाधि, प्रभु बताइए, प्रभु अभी एक ऐसी समाधि, प्रभु प्रभु। देवाधिदेव, आप समाधि से बाहर आ गए। क्षमा करें देवी, कौन है आप? देवी, भोलेनाथ महादेव के दर्शन हुए? हाँ देवर्षि, किंतु देवर्षि, देवाधिदेव महादेव भगवान शिव ने मुझे पहचाना ही नहीं। अर्थात भोलेनाथ शिव ने अपने नेत्र खोले किंतु उनकी समाधि नहीं टूटी। देवर्षि, मेरे आक्रोश ने जब मुझे थका कर बेसुत कर दिया तब मैंने भगवान शिव के स्पर्श का अनुभव किया था। वे शिव ही थे, वे मेरे आराध्य भगवान शिव के ही कर कमल थे। नारायण नारायण। देवी, भोलेनाथ जितने समाधि में होते हैं उतने ही समाधि के बाहर होते हैं। आपने कुछ कहा नहीं उनसे? कहा, बहुत कुछ कहा। मेरे प्रयास पर मेरे आराध्य ने नेत्र भी खोले, मेरी ओर देखा भी, फिर ये कहकर नेत्र मूंद लिए कि देवी आप कौन हैं? देवर्षि, इस वाक्य को सुनकर मेरे हृदय को आघात लगा। हे देवी, आप तो जानती हैं कि महायोगी शिव एक पत्नी व्रत धारण किए हुए हैं। सती के देह त्याग के पश्चात उनके जीवन में किसी अन्य नारी का कोई स्थान ही नहीं है, तो फिर आपको पहचानने का प्रश्न ही कहां उठता है? ये आप क्या कह रहे हैं देवर्षि? आप ही मुझे यहां लेकर आए और आप ही कह रहे हैं कि मैं अन्य हूं? नहीं देवी, आपने मेरे कथन का अभिप्राय नहीं समझा। तो आपके कथन का क्या अभिप्राय है, मुझे समझाइए देवर्षि। देवी, यहां जो कुछ भी हो रहा है भगवती परमेश्वरी की इच्छा से ही हो रहा है। उन्होंने अपनी ही इच्छा से गौरी और पार्वती को दो जन्मों में दो भाग में बांट दिया। दक्ष की पुत्री गौरी का भाग समाप्त हो चुका है और अब जो भाग आरंभ हुआ है वो है पर्वतराज की पुत्री पार्वती का। देवी, आपको अपने तप से, अपनी भक्ति से, अपनी लगन से, अपने समूचे व्यक्तित्व से शिव के समक्ष सिद्ध करना होगा कि यदि वे आपको स्वीकार कर भी लेते हैं तो भी उनका एक पत्नी व्रत नहीं टूटेगा। देवी, भगवान शिव समूचे संसार के सामने एक आदर्श है और आदर्श अपने भीतर सारी क्षमताओं के होते हुए भी अपनी सीमाओं का उल्लंघन नहीं कर सकता। तो फिर देवर्षि,
आप ही बताइए मैं क्या करूं। हे देवी, आपको अपने आदर्श को विवश करना है, इतना विवश करना है कि वो अपनी सारी सीमाओं का उल्लंघन करके आपके समक्ष आकर खड़ा हो जाए। देवी, आप जगदम्बा स्वरूपा हैं, स्वयं शक्ति हैं। अब ये आप पर निर्भर करता है कि आप और कितने दिन शिव से दूर रहना चाहती हैं। तो ठीक है देवर्षि, अब यही होगा। क्या तो मेरे प्राण आएंगे या जाएंगे। प्रणाम आदि प्रजापति। कल्याणमस्तु। आइए देवराज, सारे देवता गण एक साथ। आप लोगों की यह दशा देखकर मुझे दुख हो रहा है देवराज। किंतु आदि प्रजापति, तारकासुर को वरदान भी तो आप ही ने दिया था ना। आप उसे वरदान देते ना हम लोग की यह दुर्दशा होती। तो आपकी दृष्टि में यह सारा दोष मेरा ही है देवराज। भाग्य की रचना के अनुसार गौरी हिमाचल पुत्री पार्वती के रूप में जन्म ले चुकी है और इस समय तो वो भगवान शिव तक पहुंच भी चुकी हैं। सब कुछ प्रारब्ध के अनुसार हो रहा है। मेरा आपसे निवेदन है कि प्रारब्ध के लेख को अधूरा नहीं, पूरा पढ़ने का प्रयास कीजिए। प्रयास तो हम कर लेंगे ब्रह्मदेव, किंतु यदि स्वयं देवी पार्वती अपने प्रयास में सफल नहीं हुई तो। हे प्रजापति, यदि देवी पार्वती अपनी तपस्या में विफल हो गई तो। देवराज, क्या आप भूल गए कि आपके पास एक ऐसा योद्धा है जो वैरागी को भी अनुरागी बना सकता है, जो तपती सूर्य की किरणों को चंद्र किरणों में बदल सकता है, जो शांत झील को प्रलयकारी महासागर में बदल सकता है। हे आदि प्रजापति, मैं आपका तात्पर्य समझ गया। अवश्य आपका संकेत मदन देव अर्थात कामदेव की ओर है। अब आपको कुछ भी कहने की आवश्यकता नहीं है। देवी पार्वती अपना कार्य कर रही हैं, हम सभी देवता अपना कार्य करेंगे। अब हमें आज्ञा दीजिए ब्रह्मदेव। शिव, मुझे तो सब कुछ स्मरण है, फिर आपको क्यों स्मरण नहीं। मैं तो बाल्यकाल से ही आप ही के स्वप्न देखती रही। आप मेरी चेतना में, मेरे कण कण में है। मैं आपको पहचान गई, आपने क्यों नहीं पहचाना। हे स्वामी, मैं आपको नहीं भूली, आप कैसे भूल गए। प्राणेश्वर, मैं तो जन्मों का अंतर मिटा कर आई हूं। आपकी सती अब पार्वती के रूप में आपके सामने उपस्थित है। आपके निकट आकर भी आपसे दूर है। समाधि तोड़िए देव, नेत्र खोलिए। अपनी कृपा दृष्टि से मेरे मुरझाए हुए तन मन में वसंत का संचार कीजिए। स्वामी, हे महादेव, आप महासागर हैं और मैं नदी जो महासागर के द्वार तक पहुंच गई है। अपने प्रियतम महासागर से मिलने के लिए ये नदी अपना अस्तित्व समाप्त कर देने के लिए तत्पर है।
यदि आप मुझे नहीं मिले तो मैं कठोर तप करूंगी। वर्षा, धूप, आंधी, पानी, सब कुछ सह लूंगी, पर आपका वियोग नहीं सह सकती। जान लीजिए, मेरा पाणी ग्रहण केवल आपसे ही हो सकता है, क्योंकि इसके लिए मैं प्राणों की आहुति दे दूंगी, और आहुति को ग्रहण करने की शक्ति केवल अग्नि में है, शिव में है। हे स्वामी, यदि अब मैं अपने तप में सफल रही तब तो आपके दर्शन अवश्य होंगे, यदि असफल रही तो मेरा अंतिम प्रणाम स्वीकार कीजिए स्वामी। क्या आप भी देवाधिदेव महादेव की भांति हमारा त्याग करने जा रहे हैं? कहिए माते। तुमने तो माता पुत्र का संबंध जोड़ लिया पुत्र, किंतु तुम्हारे देवाधिदेव ने, मेरे आराध्य भोले शंकर ने मुझे स्वीकार नहीं किया। वे मुझे स्वीकार करें इसके लिए मैं अंतिम प्रयास करने जा रही हूँ। मैं वहीं सामने बैठकर तप करूंगी, अपने आराध्य का नाम लूंगी, ओम नमः शिवाय का जाप करती रहूंगी। किंतु माते, अब तो यहाँ हिम की वर्षा आरंभ होने वाली है। नहीं पुत्र, निष्ठा एवं सत्य किसी भी परीक्षा की गंभीरता को नहीं देखते। मैं तो केवल इतना मानती हूँ कि मेरे आराध्य देव के नाम का जाप हिम की वर्षा को जब तक पुष्प वृष्टि में नहीं बदल देता, मैं वहीं निरंतर बैठी रहूंगी। पुत्र, क्या मैं अपेक्षा करूं कि कोई भी मेरी समाधि को भंग नहीं कर पाएगा? माता जी, आपका अपने पुत्र को आदेश है, यदि इस समय विकराल काल भी आपकी तपस्या भंग करने आया तो मैं उसका भी मान मर्दन कर दूंगा। अब तो आपकी इच्छा के बिना मेरे देवाधिदेव महादेव के अतिरिक्त आपके पास कोई नहीं आ सकता। ये आपको आपके पुत्र वीरभद्र का वचन है माता।